दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। डे 3 और द रगेड ट्रैवलर चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अब हम आए हुए हैं घूमने के लिए फतेह सागर लेक का व्यू। बस वही वाली बात है, हर ब्लॉग में मैं एपिक व्यू ही कर रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे है लेक्स का व्यू, यहाँ पे सुबह के टाइम एपिक रहता ही है और शाम के टाइम गजब। आज भी सुबह 9 बजे प्लान है, जाएंगे नहीं जाएंगे ये नहीं पता, बट है प्लान कि स्पीड बोट करेंगे फतेह सागर लेक में। फतेह सागर लेक पे स्पीड बोट करने के लिए, और ऑलवेज टिकट काउंटर ये रहा, टिकट अब लेंगे और वो चढ़ रहे, देखो भाई स्पीड बोट पे, उसी पे जाने वाले हम। ओ भाई भाई सब मजा है इसमें तो। भाई मजा आ गया, जिंदगी का सबसे तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पर। 250 रुपए वसूल हो गए पूरे, है दीदी? 250 रुपए वसूल हो गए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत मजा आया, गजब था भाई। बोटिंग फतेह सागर लेक में स्पीड बोट करो, मजा आएगा भाई। बोटिंग के बाद हम जा रहे हैं करनी माता मंदिर, और हमने कर लिया है यहीं से ही, गाड़ियां यहीं पार्क कर रखी है हमने, क्योंकि वहां पे गाड़ी अलाउ नहीं होती करनी माता में, और थोड़ा ऊंचा भी पड़ता है। तो हम सीधा टेम्पो से करनी माता जाके वहां पे रोप वे जाती है करनी माता पे, तो रोप वे की वो टिकट लेनी की पड़ती है, पता नहीं कितने की है, वहीं चल के पता लगेगा है कि। भाई हो गया पंचर टेम्पो में, अब बियर लगाएंगे फिर उसके बाद निकलेंगे वापस, हमारी किस्मत खराब है। पहुंच गए हैं करनी माता के यहाँ, अब सबसे पहले टिकट लेनी पड़ेगी यहाँ रोप वे से, और फिर वहां से लेंगे एंट्री और रोप वे से जाएंगे ऊपर करनी माता मंदिर पे। कहाँ पर है, शायद वो है मंदिर ये है। तो भाई पहुंच गए हैं करनी माता मंदिर पे, करनी माता मंदिर वो रहा देख लो। और भाई अगर वही वाली बात है, मैं आपसे फिर कहूंगा भाई व्यू एपिक है, आप खुद ही देख लो और खुद ही बता देना एपिक है कि नहीं। भाई करनी माता के टॉप का व्यू, मतलब पूरा उद्यान प्रॉपर जैसे कहते हैं ना, अच्छे से देख रहे हैं। तो भाई ये है अपना जग मंदिर ताज पैलेस, उसके पीछे वाला जो होटल है वो है लीला होटल, ओबेरॉय होटल, और ये आपको जो छोटा सा दिख रहा है वो है यहाँ हेलीपैड, सिटी पैलेस, और यहाँ पे ये टॉम सा दिख रहा है जो मंदिर का वो है जगदीश टेंपल, और वो पहाड़ों के आगे एक आईलैंड है जिस जो लेक है वो है अपनी फतेह सागर लेक, और ये जो लेक दिख रही है ये है दूध तलाई। कुल मिला के करनी माता के टॉप से सब कुछ दिखता है, मतलब ए टू जेड जितनी भी चीजें आप मुजफ्फरपुर में देखने के लिए आते हो यहाँ से आप देख सकते हो। भाई अभी हम आए थे बस जस्ट रोप वे के लिए जा रहे थे, नीचे हमको दिखे वीआर, और
बच्चों को हमने लगा दिया वीआर गेमिंग पे। और भाई मैं भी बच्चा ही हूँ, मंडी वाला मेरा, मैंने भी दे दी इनको पैसे, मतलब मेरा भी करा दो। तो पहले बच्चे कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं करूँगा। मजा आएगा। तो भाई अब पहुंच चुके हम सहेलियों की बाड़ी में, और ये है सहेलियों की बाड़ी की मेन एंट्रेंस, और बाकी है अंदर। तो भाई यहाँ के टिकट काफी कॉस्ट फ्रेंडली है, सिर्फ 20 रुपए पर पर्सन, और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। काफी अच्छा है यार, मतलब बाकी अब अंदर जाके देखेंगे जब पता लगेगा कैसा है, बट सिटी पैलेस वाला हाल तो नहीं है ना कि 300 रुपए और फिर जाके मजा भी ना आए। यहाँ पे हमने लोकल से भी पूछा कि भाई सिटी पैलेस का क्या सीन है, तो उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं, सिटी पैलेस बढ़िया नहीं है। हाइप बनी हुई है एक बस की, हाँ सिटी पैलेस बहुत अच्छा है, बट मेन तो बात ये है इसमें अंदर जाके देखते हैं कि 20 रुपए वर्थ रहेंगे या नहीं। ये है भाई एंट्रेंस सहेलियों की बाड़ी की, वो वाली ग्रीनरी काफी अच्छी है यहाँ पे, और इसकी भी एक हिस्ट्री है, मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। तो ऐसा कुछ दिखता है सहेलियों की बाड़ी के अंदर का व्यू। अभी ये है उधर की साइड पार्क वगैरह बने हुए हैं, और पीछे की साइड भी पार्क बने हुए हैं। और दूसरी चीज मैं अगर आपको बताऊँ, ये जो आपको फव्वारे दिख रहे हैं, इनका इलेक्ट्रिक कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये जो पहाड़ से सीधा पानी का फ्लो आ रहा है, या फिर जैसे कहते हो जो प्रेशर आ रहा है पहाड़ से ही सीधा, ये उसी से के सारे ही चल रहे हैं। जब भी पहाड़ से प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इनकी हाइट, इनका भी प्रेशर ज्यादा हो जाता है। और अगर इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो ये महाराणा संग्राम सिंह ने बनवाया था, और बनवाया किस लिए था, इसलिए बनवाया गया था क्योंकि उनकी जो राजकुमारी थी उनको दहेज में 48 नौकरानियां मिली थी, ऐसा दहेज मिली थी, तो उनके लिए महाराणा संग्राम सिंह ने ये पार्क बनवाया था। तो जब से सहेलियों की बाड़ी नाम पड़ गया इसका। भाई इतनी ग्रीनरी, 20 रुपए अभी वसूल हो चुके हैं मेरे, बाकी जो भी घूमना है अभी अंदर घूम लेंगे। मेन भाई अंदर था जो फव्वारा दिखाया था, 20 रुपए वसूल है भाई। देखो कुछ भी कहो, चाहे ज्यादा बड़ा नहीं है, बट फ्रेश एयर और एक अच्छा माहौल। अभी यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, ग्रीनरी एक तो काफी ऑलरेडी अच्छी है, और लाइट्स वगैरह अभी मे बी आधे घंटे के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे, और हम यहीं पे ही हैं अभी आधे घंटे के लिए। जब लाइट ऑन हो जाएंगी उसके बाद बताते हैं कि इसका व्यू है और भी अच्छा आता है, मतलब ये चीजें और भी अच्छी लगती है, तो उसके बाद भी दिखाएंगे आपको। अगर यहाँ रुके रहे तो, अगर कुछ काम नहीं आया तो उसके बाद देखते हैं। अभी आपको लाइटनिंग में भी दिखाते हैं कैसा लगता है ये। तो भाई ये है कमल तलाई, और कमल तलाई इसका नाम क्यों है वो आपको देखने से ही पता लग रहा होगा। इसमें थोड़ा सा रनिंग ये है कि जो आप देख रहे हो हाथी के सिर पे से पानी निकल रहा है, और ये वही मैकेनिज्म है जो पहले था, ये पहाड़ के प्रेशर के थ्रू ही आ रहा है ये सारा पानी। और ये यहाँ पे बीच में एक बना हुआ है बढ़िया सा। लाइटिंग दिखाने का मन तो भाई पूरा था, बट बारिश स्टार्ट हो गई है और धीरे धीरे तेज होती जा रही है, इसलिए वापस रिसोर्ट जा रहे हैं। मन तो पूरा था लेकिन क्या करें, अब नहीं दिखा पाए।